हेलो दोस्तों, स्वागत आप सब लोगों का हमारे ब्लॉग में। तो हम लोगों का अचानक प्लान बनता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो अचानक प्लान बन जाता है कि चलो चलते हैं वाटर पार्क। तो वाटर पार्क जाने के लिए हमें या तो वाराणसी जाना पड़ेगा या तो आजमगढ़ जाना पड़ेगा। तो प्लान बनाते हैं कि चलो वाराणसी चलते हैं। तो बहुत से वाटर पार्क हैं तो प्लान बनता है कि चलो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कौन सा वाटर पार्क अच्छा रहेगा। तो ये हमारी लोकल मार्केट है, यहाँ पर हम रोडवेज का इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं कब तक रोडवेज आ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है कि थोड़ा सा ही दूर पर यहाँ पे बाईपास बना हुआ है, तो कभी बस वहाँ से निकल जाती हैं, कभी यहाँ से निकलती हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो काफ़ी देर वेट करते हैं तो फाइनली बस हमें मिल जाती है। तो हम चलने लगते हैं यहाँ पे, और कंडक्टर भाई साहब थोड़ा सा मजाकिया मिल जाते हैं, तो हमारे फ्रेंड लोग इसमें मजाक भी करने लग जाते हैं, मजाक करते हैं। और ये थोड़ा जो एक वाटर पार्क है फंटेसिया वाटर पार्क, तो वो रिंग रोड पड़ता है, जो आजमगढ़ वाराणसी जो रोड है हाईवे 4 लेन पर ही रिंग रोड पड़ता है, तो वही रिंग रोड के आसपास है फंटेसिया वाटर पार्क। तो हम लोग पहले फंटेसिया वाटर पार्क ही जाने वाले थे, लेकिन अचानक यहाँ पे प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि सामने जो लड़के बैठे हैं ये लोग भाई बताते हैं कि इससे थोड़ा सा अच्छा है फन सिटी वाटर पार्क जो कि पांडेपुर में पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि चलो वहीं पर चलते हैं, जब लोग बता रहे हैं तो चल तो वहीं पर चलते हैं। तो अचानक प्लान बन जाता है कि चलो अब यहाँ से कैंसिल होता है, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो बस में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो भाई बहुत ही परेशान होते हैं ये गर्मी, तो गर्मी को देखते हुए बहुत ही हम लोग परेशान हो जाते हैं। और ये भाई साहब लोग मोबाइल रिपेयर लोग इंजीनियर लोग ये लोग समझाने लगते हैं कि आपके मोबाइल में थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या, कवर लगा होता है तो कैमरा वाला साफ नहीं आता, तो इसके लिए बोल रहे हैं भाई एक्सपीरियंस आदमी इनको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है उधर से आएंगे, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, इसको क्या दिक्कत है। तो भाई साहब यहाँ पे दिक्कत होती है कि हम लोग जो लोकल मार्केट यहाँ से जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि ढाबा पड़ता है, वहाँ पे बस रुक जाती है। उधर से आने में भी हम लोगों को दिक्कत होता है, 1 किलोमीटर ही होता है तब तक ये लोग बस रोक देते हैं। और वाराणसी से आते भी हैं तब भी 1 किलोमीटर रहता है तो वहाँ पर रोक देता है, कम से कम 15-20 मिनट हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। देख लीजिए 10 ही मिनट हुआ है हम लोगों को आने में तब तक यहाँ पे बस रुक गई, क्या कर सकते हैं भाई। अब इतना गर्मी है कि अंदर तो रह नहीं सकते, इसलिए बाहर थोड़ा हम लोग आए हैं। और ये भाई साहब टहल रहे हैं, इनको पानी नहीं मिल रहा है इनके क्वालिटी का, तो ये ढूँढ रहे हैं, देखते हैं इनको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। और इतना गर्मी हो रहा है भाई पूछो ही मत, देखो इतना पसीना हो रहा है। और इसी गर्मी से बेहाल है हमारे अनूप भाई जो कि काफ़ी अच्छे हमारे मित्र हैं, तो ये लोग भी बहुत ही बेहाल हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए इधर जनसंख्या भी इतनी है, बेहाल है, सारे लोग बस के बाहर हैं, कोई अंदर नहीं है बस में, टिक ही नहीं सकता भाई इतनी गर्मी हो रही है वहाँ पर। 15-20 मिनट रुकने के बाद हम लोग फाइनली बस में फिर से बैठ जाते हैं, और इस बार बस चलती है सीधे वाराणसी की तरफ ही निकल जाती है, वहीं पर रुकेगी। और भाई साहब तो अपने मोबाइल में लग जाते हैं, इधर ये सूरज भारती जो कि सो रहे हैं भाई, सोने में लग गए, अपना चश्मा उश्मा लगा के सोए, ऐसा लग रहा है कि सोए नहीं है लेकिन सो रहे हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम किसी तरीके से इसको समय को बिताया जाए 1 घंटा। तो फाइनली बहुत ही गर्मी होती है तो फाइनली दिक्कत तो होता है हम लोगों को बस में बैठने में, लेकिन क्या किया जा सकता है भाई, गर्मी है तो है। तो काफ़ी 1 घंटा बिताने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं पांडेपुर चौराहे, और ये रहा सामने पांडेपुर चौराहा, जो कि आप सामने जो देख रहे हैं एक कैंट का रास्ता हुआ है, कैंट से आती है यहाँ पे बस जो भी है टेम्पू शैम्पू सब उधर से आती है। और जो हाईवे देख रहे हैं ये आपका पूर्व पश्चिम दिशा में बना हुआ है, पूरा पश्चिम दिशा में बना हुआ है, तो जो पूर्व साइड में है वो इधर आपका पहाड़िया आशापुर, ठीक पहाड़िया आशापुर सानाथ पड़ जाता है, और पश्चिम साइड की तरफ कचहरी बावतपुर हवाई अड्डा इधर पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आते हैं तो आपको फन सिटी जाने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा इधर से पूर्व साइड जाना पड़ेगा आपको, वो आशापुर के रास्ते तो थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर भाई टेम्पो मिल जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे मित्र है हमारे टेम्पू वाले जो कि बहुत ही फनी होते हैं, तो हमारे दोस्त लोग भी उनके साथ मजाक उजाक करने में लग जाते हैं, तो यहाँ पे पूरी तरह से मजाक जारी है, तो कोई बात नहीं, बुरा भी नहीं मानते हैं। तो हम लोग काफ़ी उनके साथ एंजॉय किया, और थोड़ी दूर जाने पर ही 1-1.5 किलोमीटर जाने पर ही हम लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया गया। आप सामने देख सकते हैं फन सिटी वाटर पार्क है,
और यहाँ पे ये ग्राउंड है और शायद स्टैंड है भाई, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है यार, पता नहीं, ये नहीं पता चल पाया भाई कि यहाँ पे टिकट लगता है कि नहीं लगता है गाड़ियों का। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड पूरा खाली है, कोई है नहीं यहाँ पे, तो कैसे पता चलेगा। अंदर जाने पर भी ऐसा कुछ पता नहीं चला हम लोगों को, तो भाई इसके बारे में तो जानकारी नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग बस से आए हैं, तो अगर गाड़ी से आते तो टड़ा करते तो शायद पता चल सकते, क्योंकि कोई है नहीं यार, ये दिक्कत लग रहा है हमको, कोई आसपास है ही नहीं। तो चलिए ठीक है, अभी फिलहाल में खाली है तो टड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भाई साहब ये लोग रेट वोट देखने में लग जाते हैं अपना, जो कि अच्छी बात है, वो देख लेना चाहिए बाहर क्या है कैसे है। तो चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, अगर आप छुट्टी के दिन आते हैं शनिवार रविवार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदे से, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। शनिवार रविवार छुट्टी के दिन आते हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, अगर अन्य दिन आते हैं तो आपको 400 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। महिला वहिला के लिए लाकर के लिए आपको 50 रुपया लगता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा टिकट मिल जाता है, तो हम लोग चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम के लिए 50 रुपया अलग से लगता है, जो कि 200 रुपया जमा होता है, 50 रुपया काट के बाद में आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है ड्रेस लेने में, क्योंकि भाई साइज़ का नहीं मिलता है। तो किसी तरीके से ढूंढते ढूंढते मिलता है साइज़ का पूरा नहीं मिल पाता है, थोड़ा छोटा बड़ा मिलता है, तो कोई बात नहीं, नहाना है तो एडजस्ट कर लेते हैं, हमें भी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए अनु भाई साहब अपना अच्छा पा जाते हैं साइज़ वाइज देख के, हम तो वीडियो बनाने के चक्कर में भाई मतलब छाँट नहीं पाते अच्छे से। तो आपको साइज वाइज पता है तो आप बता के अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें भी मिल जाता है अच्छा, बहुत अच्छा नहीं मिलता, थोड़ा ढीला ढाला मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, बट नहाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो हम लोगों का हो गया है, और ये बाबा अपना लगे पड़े हैं, देखिए। चलिए ठीक है, अब अंदर लेते हैं एंट्री, अब उसके बाद देखते हैं क्या नज़ारा है अंदर का। तो देखिए भाई कुछ इस तरीके से दिखता है फन सिटी अंदर से, और ये भाई साहब लोग लाकर के चक्कर पड़े, क्योंकि सामान वहाँ रखने के लिए आपको लाकर जरूरी है, तो वहाँ पे जाएंगे, फिर इसके बाद चेंजिंग रूम में जाएंगे, इसको ड्रेस वेस के चेंज करेंगे, इसके बाद अंदर जाएंगे यहाँ पे नहाने के लिए। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा है, ऊपर दिख रहा है आपको, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, लगभग सब कुछ ही है यहाँ पे, और साफ़ सफाई तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। तो अगर आपका प्लान बनता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही मस्त वाटर पार्क है यहाँ पे। पांडेपुर से जस्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर के लगभग, 2 किलोमीटर मैक्सिमम मान के चलिए, और इतना दूर है, आप आ सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पूरी सिटी में ही है। तो चलिए हम लोग फाइनली अपना ड्रेस व्रेस चेंज करते हैं और इसमें एंट्री करते हैं और देखते हैं कितना क्या है, क्या है कैसे है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, और हम मिलेंगे लास्ट में, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करिए, ठीक है, ओके, लास्ट में मिलते हैं।
धुधुला का है क्या बताओ? हाँ वो हाँ अरे यार ना टी पाया हो गला के स्टॉप करा एक स्टॉप करा बाबा का नाली लेगा ए बाबा का नाली ले ए बाबा का नाली क्या आप मरते ए बाबा का नाली के लिए
दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे इन्जॉय किया, तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, तो अब सोच रहे हैं कि चलते हैं बाहर। बहुत टाइम हो गया है, घर भी जाना है, काफ़ी दूर है यहाँ से 50 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पसंद आई हो तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी बनारस से रिलेटेड बहुत सी और भी वीडियो आएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, तब के लिए दीजिए इजाज़त हमें, टाटा बाय बाय।